बरसात का मौसम शुरू होते ही मैदानी इलाकों में सांप का आतंक बढ़ गया है। कानपुर में भी रोजाना सांप के काटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। बात की जाए एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हेल्थ अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। यहां पर अभी तक जितने भी मामले आए हैं किसी की भी मौत नहीं हुई है। दो लोग वेंटिलेटर पर गए थे लेकिन उनकी भी जान बचा ली गई है। इसके अलावा यहां पर पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम मौजूद हैं। वहीं प्रिंसिपल संजय काला का कहना है कि लोग घबराए नहीं, सांप के काटने में तुरंत अस्पताल पहुंचें और झाड़ फूंक के चक्कर में ना फंसें, वरना उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। आप जो देख रहे हैं ये सांप के काटने का निशान है। इसी तरीके का निशान सांप के काटने में दिखाई देता है। जब भी आपके सर्पदंश का के आप शिकार हों, आपके सांप ने काटा हो, तो इस तरीके के दाग आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आप एक कपड़ा लीजिए और जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर इसको जितना टाइट हो सके उतना टाइट बांध दें, ताकि जो पॉइजन हो सांप का वो आपका जहाँ काटा उतनी जगह पर रहे, जो ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर शरीर में जैसे फैलेगा तो खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आप सबसे पहले जो आपके नज़दीक का वेनम सेंटर हो, जहाँ पे सर्पदंश का इलाज होता हो, वहाँ पे जाएं। किसी झाड़ फूक वाले चक्कर में ना पड़े, वरना आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बरसात का मौसम आते ही जैसे बीमारियां बढ़ने लगती हैं, वहीं दूसरी ओर सांप के काटने का खतरा ही बना रहता है। कानपुर में भी सांप के काटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ GSVM के प्रिंसिपल संजय काला जी मौजूद, हम इनसे जानेंगे कि रोज कितने मामले आ रहे हैं, उनका इलाज किस प्रकार से किया जा रहा है। नमस्कार। मैंने जैसे पिछले साल के अनुभव से जो हम लोगों ने सीखा था कि बारिश के टाइम पे चूंकि पानी होता है तो अपने बिल में जो सांप अगर रहते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, तो अक्सर गांव देहातों में स्पेशली चूंकि लोग मुंह अंधेरे निकल जाते हैं तो सांप काटने की घटनाएं बहुत कॉमन हो जाती हैं। और इस वक्त में हमारे यहाँ डेली 5-6 से लेके कभी कभी एक दिन में 10-10 पेशेंट तक आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने 3 महीने पहले ही व्यवस्था कर ली थी। और जो एंटी स्नेक वेनम है, हमारे यहाँ डॉक्टर एस के गौतम जो मेडिसिन के नोडल इंचार्ज हैं, उनसे बात करके हमने 300 से 400 वायल एंटी स्नेक वेनम के मंगवा लिए थे। इस वक्त पिछले 2 हफ्ते में हमारे पास में लगभग 50 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 2 पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पर भी गए थे और सुरक्षित निकल के आ गए। मुझे सबको बताते हुए बेहद हर्ष है कि 50 मरीज में से एक भी पेशेंट की अभी तक कोई डेथ नहीं हुई। ये हमारे साथ प्रिंसिपल संजय काला जी मौजूद थे, जो बता रहे थे किस प्रकार से जो यहाँ पे स्नेक बाइट का इलाज किया जा रहा है। अभी तक 50 मामले आए हैं लेकिन किसी की भी डेथ नहीं हुई है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।